असल वरहल वी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजीन किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम हमारा बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम है क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कुरानी मालूम हासिल करते हैं किड्स मदरी चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं कुरान पाक की किराद भी एक बहुत प्यारे प्रोग्राम में हम सीखते हैं वॉइस ऑफ कुरान हमारा प्रोग्राम आता है किस पदरी चैनल पर उसमें दुरुस्त अंदाज़ से हदर में तरतील में किस तरह तिलावत कुरान पाक करते हैं उसमें हम वो सीखते हैं और इसके अलावा आओ के कुरान जो प्रोग्राम आता है उसमें हम जो है वो कुरान पाक दुरुस्त अंदाज से मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम में कुरान टाइम में कुरानी मालूम कुरने पाक ने हमें क्या पैगाम दिए हैं वो हम सुनते हैं कुरान पाक के अहकाम बयान किए जाते हैं और इसके अलावा कुरानी वाक़ात भी सुनाए जाते हैं प्यारे बच्चों आज भी आपने आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहना है अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए कि जो कुछ सीखेंगे उस पर अमल भी करेंगे और इन शह उससे याद रख कर दूसरों तक भी पहुँचाएँगे प्यारे बच्चों अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी महमदी सल्लाम ने अरसाद फरमाया जो मुझ पर एक दिन में पचास बार दूरदे पाक पड़ेगा क़्यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊँगा सल्लू हबीब सल्ला महम्मद सल्ला वाली वसलम सुबह अल्लाह कौन सा महीना चल रहा है शाबान का महीना चल रहा है देख लें फ़रवरी नहीं चल रहा फरवरी महीना भी चल रहा है शाहबानमज़म का महीना भी इस्लामी महीना शाबान चल रहा है चांद का महीना और जो है वो दूसरा महीना जो है वो फ़रवरी चल रहा है तो शाबानम ये बहुत प्यारा महीना है मुबारक बरक़तों वाला महीना है इस महीने का एक नाम जो है वो माह सलाम भी है क्या नाम है माह शाबान माह दरूदो सलाम तो अमीर अहले सुन्नत असन्नत दामद बरक़मिलिया इस महीने के शुरू होते ही जो है वो एक तरगीब दिया करते हैं और वह तरगीब है कि सात सौ बार रोज़ाना दरुद पाक पढ़ने सात सौ बार सात सौ बार रोज़ाना दूरदे पाक पढ़ने की तरगीब देते हैं और माशाला बच्चे जो है वो नीयतें पहुँचाते हैं बड़े तो नीतें पहुँचाते हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम बच्चों का है तो आइए बच्चों की बात करते हैं बच्चे भी नीयतें पहुँचाते हैं और एक बच्चे की नीयत आई बदी मुजाकरे में कि वो छब्बीस सौ बार रोज़ाना दूद पाक पढ़े सुबहानुबहान्ल रोज़ाना छब्बीस सौ बार पच्चीस सौ बार, बार भी बच्चे दूद पाक पढ़ते होंगे इसके अलावा तीन हज़ार तेरह बार भी बच्चे दूद पाक पढ़ते होंगे सुबहानल्ला तो हमें भी चाहिए कि कसरत से दूध पाक दिन भर में पढ़ें और आज हमने क्या फ़जीला सुनी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 बार दुरूद पाक पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया क़यामत के दिन मैसे मुसाफ़ा करूँगा क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा यानी हाथ मिलाऊँगा तो क़यामत के दिन कि जिस दिन जो है वो बहुत सख्ती वाला आजमाइशों वाला दिन होगा क़यामत के बारे में हम सुनते रहते हैं क़यामत की और नाकियों के बारे में हम सुनते रहते हैं तो वो कितना सख्त और मुश्किल वाला दिन होगा मुश्किलात वाला दिन होगा और उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साक्षी के रसूल से हाथ मिला लें मुसाफे की उसको सादतदा फरमा दे तो सुबहान अल्ला उसका तो इन श्ला बेड़ा पार हो जाएगा जी गट्सप्री चैन के नाजीन और प्यारे बच्चों आइए अपने प्रोग्राम कुरान टाइम का पहला सैगमेंट शामिल करते हैं और इस सैगमेंट में इनशा करीम हम तिलावत सुनेंगे और आपको आयात का तर्जा भी बताया जाएगा सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान टाइम, कुरान टाइम, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا. اتقوا الله لعلكم تفلحون, <تكو> تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين صدق الله العظيم माशादा माशादा जी गट्स फद्री चल के नाज़ीन और प्यारे बच्चों पाराचार सूर्य आल इमरान की आयत नंबर एक सौ उनतीस से आयत नंबर एक सौ इकतीस तक हमने तिलावत सुनी है तीन आयात की अब बढ़ते हैं और सुनते हैं इन आयतों का तर्जमा आसान तर्जमा है कुरान कंजुलरफान और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ए ईमान वालों दुगना दर दुगना सूद सूदना खाओ और अल्लाह से डरो इस उम्मीद पर कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है जिगिट्स पद्री चैनल के नाज़ीन और प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और आपको एक प्यारा सा कलाम सुनाते हैं सेगमेंट का नाम है कलाम koran time koran time koran time solle a okay. game कि क्या मदीना है बस मेरा मुद्दा मदीना है अल्लाह सुबहानल्ला अल्लाह अल्ला। बहुत प्यारा कलाम अान रज़ा तारी भाई हमें सुना रहे थे और सैयद साहब ये वो कलाम है जो किड्स मदनी चैनल पर हम बार बार सुनते रहते सुभान हैं सुबह एम्स में क्योंकि आसान है। कलाम है बच्चों के हवाले से ये पढ़ा जा रहा होता है लेकिन जब भी इस कलाम को सुने इसका एक अपना लुत्फ है मज़ा आता है बहुत मज़ा आता है जब इस कलाम को हम नात नातख़ँ से सुनते हैं और उसके साथ साथ नात नातख़ा के साथ साथ मिलकर पढ़ रहे होते हैं कि क्या बताऊँ कि क्या मदीना है बस मेरा मुद्दा मदीना है उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से क्या कोई दूसरा मदीना है दिल फिदा है मदीने वाले पर दिल मुनवर मेरा मदीना है, है। सुहान अल्लाह जी गिट्सफरी चैनल के नाज़ीन और प्यारे बच्चों आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ़ बढ़ते हैं बहुत प्यारा सेगमेंट है मुतव हो जाएँ तोज्ह के साथ सेगमेंट को सुने और जो बातें बताई जाएँ उन पर अमल भी करें उन्हें याद रखें सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ़ क़ुरान बच्चों अल्लाह पाक पारा चौदह सूरह हिजर की आयत नंबर दो में इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन काफिर बहुत आरज़ुएं करेंगे के काश वो मुसलमान होतेबारे प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरी प्रोग्राम है हमारा कुरान कुरान टाइम और सेगमेंट है हमारा मैसेज ऑफ़ कुरान मैसेज ऑफ कुरान आइए सुनते हैं कि हमें आज कौन सा मैसेज मिल रहा है तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन इस आयत की तफसीर में बाज मुफसरीन कहते हैं कि नजा के वक्त जब नॉन मुस्लिम अजाब देखेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि वो गुमराही पर था वो किस चीज़ पर था गुमरा गुमराही तो पर, पर, पर था उस वक्त नॉन मुस्लिम ये आर्ज़ू करेगा कि काश वो मुसलमान होता लेकिन उस वक्त ये आरज़ू उसको कोई फ़ायदा ना देखे नॉन मुस्लिम को ये आजू हाँ।, हाँ तो नज़ा क्या होता है पता है बच्चों किस्मत चैन के नाजरीन नज़ा यानी जब बंदा मरने के करीब होता है मरने की जो कैफियत होती है उसकी रूह जब कब्ज़ उसके बदन से उसकी रूह निकाली जा रही होती है उस वक्त की जो कैफियत होती है उसे नजा की कैफियत कहते हैं क्या कहते हैं नज़ा की के। हाँ जब बंदे का इंतकाल होने वाला हो उस वक्त चूँकि उस वक्त जो है उसकी आँखों से पर्दे उठ जाते हैं और वो फरिश्तों को देख रहा होता है जो रूह कब्ज़ करने आते हैं उनको भी देख रहा होता है वो तमाम मामला को देख रहा होता है तो उस वक्त उसे मालूम पड़ेगा नॉन मुस्लिम को कि मैं किस पर था गुमराह ही पड़ता मैं किस पर था गुमराह ही पर था तो उस वक्त वो आर्जू करेगा कि काश में मुसलमान होता लेकिन उस वक्त उसको आर्जू करना फायदा फ़ायदा नहीं देगा अब इसी आयत की हमने एक तफसीर सुनी अब इसी तरह बास जो जिन्होंने तफसीर बयान की है तो उसमें बाज़ के नज़दीक आखरत में कयामत के दिन की सख्तियाँ अपना दर्दनाक अंजाम और बुरा ठिकाना देकर नॉन मुस्लिम ये तमन्ना करेगा कि काश वो मुसलमान होते एक हमने सुना तफसीर में एक क्या था कि जब बंदा मरने लगेगा एक तफसीर में ये बयान हुआ और एक तफसीर में ये बयान हुआ बाज़ ने लिखा है कि कयामत के दिन किस क़यामत दिन? हाँ क़यामत के दिन जब वो देखेगा कि नॉन मुस्लिम के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं बड़ा दर्दनाक अंजाम है तो वहाँ वो आर्ज़ू करेगा कि वो क्या होता सलमान मुसलमान होता मैसेज ऑफ कुरान में जो हमने आया सुनी और उसकी तफसीर जो हम सुन रहे हैं इसके बारे में एक मशहूर कौल ये भी है कि जब गुनाहगार मुसलमानों को जहन्नम से निकाला जा रहा होगा किन लोगों को गुनागार हाँ गुनहगार मुसलमानों को तो जब गुनहगार मुसलमानों को जहन्नम से निकाला जा रहा होगा उस वक्त नॉन मुस्लिम ये तमन्ना करेंगे कि काश वो भी क्या होते मुसलमान मुसलमान होते एक मशहूर कौल ये भी है इस आयत के बारे में जो हमने सुना तो प्यारे बच्चों और किट्स मदनी चैनल के नाजरन मुसलमान होना रब की कितनी बड़ी नेमत है इस नेमत पे हमें अल्लाह पाक का शिक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया हमें सरकार अली सलाम का उम्मती बनाया हमें हजर गोस पाक का मुरीद बनाया हमें अमीर अहल सुन्नत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए से हजर गोस पाक का मुरीद बनाया और हमें इतना प्यारा मदनी माहौल इतनी प्यारी तहरीक से हम सबको क्या किया वस्ता किया तो हमें इस पर रब का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमने आयत सुनी इसमें हमने मैसेज सुना कि काफिरों को बास के नज़दीक मरते वक्त ये तमन्ना होगी हसरत होगी लेकिन उनको यह हसरत कोई फ़ायदा ना देगी बस क़यामत के दिन अपना दर्दनाक अंजाम देख कर ये करेंगे कि मुसलमान होता उस वक्त भी कोई फायदा फ़ायदा ना होगा और एक कॉल के मुताबिक जब गुनाहगार मुसलमानों को सुबहान अल्लाह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए तो जब गुनाहगार मुसलमानों को जहन्नम से निकाला जा रहा होगा जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो उस वक्त जो कुफ़ार जो नॉन मुस्लिम हैं वो ये तमन्ना करेंगे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान को सलामत रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए और मक, और हम सब को मरते वक़्त प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए आमीन बिजा नबी अमीन अलैहि वसल्लम प्यारे बच्चों अल्लाह पाक पारा चौदह की आयत नंबर तीन में इरशाद फरमाता है खाएं और मज़े उड़ाएं और उम्मीद उन्हें गफलत में डाले रखे तो जल्द वो जान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैन के नाजरीन आइए सुनते हैं कि हमें से क्या मैसेज मिल रहा है तो प्यारे बच्चों इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि हबीब आप उन नॉन मुस्लिम को उनके हाल पर छोड़ दें आप इन नॉन मुस्लिम को इनके हाल पर क्या करें छोड़ दें इस दुनिया में जितना इन्होंने खाना है खा लें और उस वक्त तक इस दुनिया की लज्ज़तों के मज़े उड़ा लें जो मैंने उनके लिए मुक्रर कर दिया है क्या कर दिया है मुक्र कर दिया है दुनिया <च्च> के फ़ायदे हासिल करने की लंबी उम्मीदें इन्हें ईमान अल्लाह पाक की फरमा बरदारी और अल्लाह पाक के कुर्ब तक ले जाने वाले अमाल से गाफिल किया हुआ है किसने गाफिल किया हुआ है दुनिया के फ़ायदे हासिल करने की लंबी उम्मीदों ने किसने गाफिल किया हुआ है दुनिया के फ़ायदे हाँ लंबी उम्मीदों ने उन्हें ईमान से अल्लाह पाक की फरमा बर्दारी और अल्लाह पाक के कुर्ब तक ले जाने वाले अमाल से गाफिल किया हुआ है बहुत जल्द जब वो कयामत के दिन अपने इस्लाम ना लाने की वजह से अजाब देखेंगे तो ख़ुद जान लेंगे कि दुनिया की ज़िंदगी में लज्ज़तों में मशगूल लेकर कितने बड़े नुकसान को उन्होंने उठा लिया है अब वो दुनिया की जो लज्ज़तें हैं उसके अंदर वो मशगूल हैं और जिस वजह से वो अल्लाह पाक पर ईमान लाने से वो रुके हुए हैं अल्लाह पाक की इबादत से रुके हुए हैं फरमाबरदारी से रुके हुए हैं लेकिन कयामत के दिन जब वो जानेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कयामत के दिन कि वो लज्ज़तों में मशगूल होकर इन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने कितना बड़ा नुकसान उठाया है नुकसान है न अला पाक पर ईमान ना ला कर अल्लाह पाक की तारत और फर्माबरदारी ना कर ये तो सबसे बड़ा नुकसान है और ये उनको कब मालूम पड़ेगा खात्मा ईमान पर फरमाए और हम सब को अल्लाह पाक की इतामाबदारी करने की तोहफी कता फरमाए आमीन बिजाबी अमीन सल्ला के नाजीन और बेहद आज भी हमने दो बहुत प्यारे पैगाम पाक के मैसेजेस कुफ़ार के हवाले से थे कि जो कुफ़ार हैं उनके पास अभी दुनिया में वक्त है अभी टाइम है उनके पास वो इस्लाम को कबूल कर लें और अच्छे अमाल करें तो फिर इन श्रीम अल्लाह पाक उन्हें अपनी रहमत से जन्नत में दाखिला फ़रमाएगा और अगर उन्होंने ऐसा ना किया कुफर पर उनकी मौत हुई तो फिर उनके लिए हमेशा दोज़क़ का अज़ाब है हमें अल्लाह पा से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए जी प्यारे बच्चों ईमान पर ख़ात्मा ये सबसे अहम चीज़ है एक बहुत बड़ी नहमत क्या है कि बंदा ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से जाए ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से जाए जी हाँ ऐसा ना हो कि काफिर होकर मरे माजल्ला पूरी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक की इबादत करे और आखिर में जो है वो कुफर पर अगर मर गया तो फिर उसके लिए आज़ाबात तैयार अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पा से दुआ करते रहें और बार बार कलमाशरीफ़ का कर वट करते रहें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमाए आमी जी गट चौधरी चैनल के नाजीन और प्यारे बच्चों आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का नाम है बयान नजूल प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन जैसा कि आपको मालूम है इस सेगमेंट में कुरानी आयत के शान नजूल बयान किए जाते हैं और आज हम पारा 25 सूर जासिया की आयत नंबर चौदह के शान नजूल के बारे में सुनेंगे

जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते ताकि अल्लाह एक कौम को उनकी कमाई का बदला दे आइए बच्चों इस आयत का शान नजुल नाजिल होने की वजह सुनते हैं इस आयत का शान नजुल यह है कि गजवाए बनी मुस्तलक़ में मुसलमान बीर मरीशिये पर उतरे ये एक कुआँ था अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने अपने गुलाम को पानी के लिए भेजा और वो देर से वापस आया तो उसने ग़ुलाम से वजह पूछी उसने कहा कि हजरत उमर रदी अल्लाह कुएं के किनारे बैठे थे जब तक नबी पाक वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह की मशक़ें यानी पानी की बर्तन ना भर बर गए उस वक्त तक उन्होंने किसी और को पानी भरने ना दिया ये सुनकर उसने इन हजरात की शान में बुरे अल्फाज कहे हजरत उमर रदी अन्ह को इसकी ख़बर हुई तो आप उसको मारने के लिए तैयार हो गए उस पर यह आयत नाजिल हुई शान सल <धि़ी> <तीज़ी> ना के नाज़ीन और प्यारे बच्चों बयान नज़ूल सेगमेंट था और शोब भाई शान नजूल आयत का बयान कर रहे थे अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और अगला सेगमेंट आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का एक अहम सेगमेंट होता है मालूमाती और अच्छा प्यारा सेगमेंट होता है सेगमेंट का नाम है एक वाक्या सल्लूल हबीबल प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरन वक्त हुआ है एक वाक्य का वाक़ जो हकीकी वाक़ है सच्चा वाक़ है और कुरानी वाक़ है आइए सुनते हैं और आज का जो वाक़ है प्यारे बच्चों बड़ा ही मुनफरद वाक़ है आज का जो वाक़ है वो ग़ार शोर का वाक़ है किस चीज़ का वाक़ है ग़ार का वाक़ है ग़ार शोर कहाँ है इसको पता है हाँ सुबह अल्लाह सभी को पता है गारे सोर कहाँ वाक़ है मक्के में मक्का मुकर्रमा में।, में गारे मौजूद है और ये एक पहाड़ पर वाक़ है कहाँ पर है पहाड़ हाँ, पर है। हाँ और ये पहाड़ मक्का मुकर्रमा के अंदर मौजूद है प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन बड़ा ही आज का जो वाक़ है इश्क और मोहब्बत वाला वाक़ है बहुत ही प्यारा वाक़ है और इस वाक्ये में हरत व बकर सिद्दीक रद्ल तुका भी ज़िक्र है अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह निहाल भाई और क्रिस मंदी चैन के नाजरन जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी है जो जिन्होंने हज किया है उम्र किया है आरे सोर की जियारत की है गारे सोर जो है जिस पहाड़ पर वाक़ है तो ये मक्का मकरमा में बुलंद तरीन चोटी है कौन सी चोटी है बुलंद तरीन हाँ मक़ मकर का एक नाम प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन वादिय बतहा भी है क्या है वादिया बतहा वादिय बतहा तो मक्का मुकर्रमा में बहुत सारे पहाड़ हैं लेकिन उन पहाड़ों में जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है वो कहाँ पर वाकई है गारे सोर। गारे सोर पर सबसे बुलंद तरीन ये जो पहाड़ है सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है मक्का मुकर्रमा में और इस पर जो है वो गार मौजूद है तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन ये बताना यूं जरूरी था कि सबको समझ आ जाए कि ये आम पहाड़ नहीं है छोटा पहाड़ नहीं है बल्कि बुलंद तरीन पहाड़ है मक्का मुकर्रमा में कौन सा पहाड़ है बुलंद तरीन बुलंद तरीन पहाड़ है और इस पर गार्ला मौजूद है तो प्यारे बच्चों और किट मदी चैनल के नाज्रीन जब अल्लाह पाक के नबी महमद मुस्तफ़ा अहमद मुशतबा सल्ह वसलम को मक् मुकरमा से मदीन शरीफ की तरफ हिजरत का अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ हजरत उबकर सद्दीक़ रदी अल्लाह तु को लिया और आपने मक्के से मदीना की तरफ आपने सफ़र शुरू कर दिया सफ़र हिजरत क्या किया शुरू कर दिया शुरू कर, शुरू कर।, शुरू कर, शुरू कर।, शुरू कर दिया बड़े बहुत सारे वाक़ हैं चूंकि अभी हमारा मौजूद जगार सोर है तो हम यही वाक़ सुनेंगे वरना बहुत सारे वाक़ हैं प्यारे प्यारे बच्चों और किट्स मदी चैन के नाजरीन ये सफर शुरू हुआ प्यारा का सल्हु वसलम अब्बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तन के साथ आपका ये सफ़र शुरू हुआ तो सफ़र शुरू हुआ इसके बाद जो मक्का मुकरमा में जो मक् के नॉन मुस्लिम थे कुफार मक् थे वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहे थे आपके पीछे भी पीछा रहे थे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत बकर सिद्दीक तौ गारारे सौर तक पहुँचे और वहाँ गारे सोर में जाना था आराम के लिए वहाँ रुकना था वहाँ रुकने के लिए आराम के लिए जब अंदर जाने लगे तो हजरत उबकर सिद्दीक रदील्ल् तहों ने आपको प्यारे आका आकाश् वसलम को रोक दिया कि यारसली पहले मैं अंदर जाऊँगा ताकि मैं देख लूं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा दे जो आपको तकलीफ़ पहुंचा दे हज़रत अबकर सिद्दीक़दील तु गार के अंदर जाते हैं प्यारे बच्चों अंदर जाकर आप पूरे गार को साफ़ करते हैं और गार में जो सुराख होते हैं तमाम सुराखों को कपड़े के साथ बंद कर देते हैं सारे सुराख कपड़े के साथ बंद कर दिए हैं लेकिन एक सुराख बाकी रह जाता है अब आप इस वजह से कि उस सुराख से कोई चीज़ निकल कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तकलीफ़ ना पहुंचा दे तो हज़रत बकर सिद्दीक दिल्ल तु उस सुराख पर अपनी एड़ी रख लेते हैं क्या रख लेते हैं एड़ी, एड़ी, एड़ी अपनी एड़ी रख लेते हैं और फिर आपकी गोद में हज़रत अबर सद्दीक दिल्ल तु की गोद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सल्ला हज़रतबर सद्दीक़ की गोद में आराम फरमा रहे हैं इतने में उस सुराख से एक सांप ऊपर आया और उसने आकर हज़रत अबूबकर दिल्ला के पाँव में डस लिया जब सांप ने डसा आपको बहुत तकलीफ़ हुई और आपने शोर नहीं किया कि प्यार सल्लल्लाहु अलैहि व्म के आराम में खलल वाक़ ना हो जाए लेकिन उसके काटने की जो तकलीफ़ थी उस शिद्दत से तकलीफ़ की शिद्दत से हज़रत अब बकरी कर दिल्ल तुओ की आँखों से आंसू जारी हो गए हज़रत अबू बकरी के आंसू प्यारे आक सल्हल के चेहरा मुबारक पर गिर गए इससे प्यारे आका अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई तो प्यार आक मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबूबकर रदी अल्ल् तहों से पूछा क्या मामला है तो हज़रत अब बकरीक़ रदील तनों ने अर्स की यार सोलोली वसम मुझे सांप ने डस लिया है क्या कर लिया है डस लिया।, डस लिया।, है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या फरमाया ला तहजन इन्नल्लाह معنا यानी ए अबू बकर गम ना करो बेशक अल्लाह हमारे साथ है तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर चैनल के नाजरीन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर सुकून अल्लाह पाक ने नाजिल कर दिया और इसके साथ साथ प्यारे आका अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के पाँव पर जहाँ पर सांप ने काटा था वहाँ अपना लआाब दहन यानी अपना थूक मुबारक लगा दिया जिसकी वजह से फौरन हज़रत अबू बकरीकिल्ल तनों को आराम आ गया वरहानल्ला प्यारे बच्चों और किट्स मंदी चैनल के नाज्रन बड़ा ही प्यारा वाक़ है गारे का वाक़ सांप का काटना हजरत सिद्दीक का, का। इसलिए तमाम काम करना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना पहुँचे क्या ना पहुँचे तकलीफ़ ना पहुँचे तकलीफ तकलीफ ना। ना तकलीफ बड़ा ही प्यारा ये वाक़ हिजरत का वाक़ है अगर आप हिजरत का पूरा वाक़ जानना चाहते हैं तो मकतबतलमदीना की मतबूा सीरत रसूल आरबी सली वसलम आप इसका मताल कर सकते हैं सीरत मुल्ला वसलम का मताल कर सकते हैं तो इन शाला आपको इसमें ये पूरा वाक़ पूरा जो सफ़र हजरत है आपको उसके अंदर मिल जाएगा तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरन हज़रत अबूबकर सिद्दी रदील्ला की महब्बत सुबहानल्ला प्यार आकलीम्म इनका जो इश्क व है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है जब ही तो कराम ने लिखा है और लकब दिया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का लकब है आशी के अकबर क्या लकब है इनका आशी।, आशी के अकबर जब बंदा मक्का मुकर्रमा पहुँचता है और वो जबल शोर को जबल शोर को देखता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है या जब उस पर चढ़ता है तो प्यारे बच्चों किट्स चैनल के नाजरन वो ये यकीन वो आशिक रसूल आशिक के ये नारा लगाता है हर ये नबी भी जन्ती, जन्ती। जब बंदा ऊपर चढ़ता है तो साथ साथ ये भी कहता है कि वाकई हजरते सिद्दीक आशीक के अकबर हैं क्या है आशी के अकबर है इतनी बुलंद तीन चोटी है प्यारे बच्चों ऊपर जाना फिर गार की सफाई करना इस वजह से कि प्यारे वसल्लम को कोई चीज़ तकलीफ़ ना पहुंचा दे आपको कोई तकलीफ़ ना पहुंचे और फिर सुराख में अपनी एड़ी रख देना फिर सांप का काटना फिर प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना लुआब दहन लगाकर उस दर्द को फ़ौर दूर कर देना अल्लाह अल्लाह अल्ला। अल्ला पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी मक् मुकरमा की मदीना शरीफ की बदाब बाज़ो हाजिरी नसीब फरमाए और इन तमाम मुकदस मकाम की हम सबको ज्यारत नसीब फरमाए आमीन बिजाही नबी अमीन सल्ला वसलम अल्लाह अल्लाह सुबहानल्ला जाने के नाज़ीन और प्यारे बच्चों हजरत मदीना का हमने वाक़ सुना है और कुछ जो है वो इसका हिस्सा इस सुना है कुरान पाक में भी इस वाक्य का तस्करा किया गया है अल्लाह पाक ने इस वाक़े को कुरान पाक में भी बयान फरमाया है और बहुत प्यारा वाक़ है यकीन करें आप कि जब भी इश्को मोहब्बत का अगर आपको कोई वाक्य पढ़ना हो तो नबी पाक सल्ला वसम और हजरत अब्बकर रदी अल्लाह का यक़् पढ़ें हजरत मदीना का वाक़ पढ़ें इनशाला ईमान भी ताज़ा होगा और आपको मज़ा भी आएगा बाकी गार सौर जबल जैसे सैयद साहब ने फरमाया कि मक् मुक्रमा में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में एक ऊँचा तरीन पहाड़ ऊँची तरीन चोटी जो है वो जबले सौर की है और इस जबल इस पहाड़ पर भी सैयद साहब गारे सौर जो है वो काफ़ी ऊपर जाकर जी है जी सही है। बहुत ऊपर जाकर जबले सौर वाक़ है ऊपर ही टॉप पर जो है वो वाकई है और अब तो स्टेयर्स भी हैं सीढ़ियाँ भी हैं सीढ़ियों के ज़रिए जाया जा सकता है लेकिन वो दौर कि जब जो है वो आ, कोई लाइट वग़ैरह भी नहीं थी कोई टॉर्च लाइट भी साथ नहीं थी और इसके अलावा किसी किस्म के मतलब जो है वो स्टेयर्स भी नहीं थी सीढ़ियाँ भी नहीं थी तो वो पहाड़ पत्थरों पर चढ़ चढ़ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह हो इस गार में पहुँचे और सुभान अल्लाह सिद्दीक अकबर आशिक अकबर अकबर ऱी ला ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी दाएँ चलते कभी बाएँ चलते कभी आगे चलते कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते अल्लाह तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फ़रमाया कि अय वकर इस तरह क्यों करते हो तो हज़रत अब्कर रदी अल्लाह ने फरमाया कि यार रसुल्ला अलैहि वसल्लम जब मुझे ऐसा लगता है मुझे खतरा महसूस होता है कि दुश्मन कहीं सीधी जानब से आप पर हमला ना कर दें तो मैं सीधी तरफ चलने लग जाता हूँ उल्टी तरफ से ना हमला कर दें उल्टी तरफ़ यानी हज़रत अब्बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह नबी पाक सल्ह्स वसम से बहुत मोहब्बत फ़रमाते और सीधी तरफ़ उल्टी तरफ़ आगे पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते फिर क्या आखिर में हज़रतबकर सिद्दीक रदी अल्लाह नबी पाक सल्लि वल्म को अपने कान्दों पर बिठा लेते हैं सुबहानल्लाँधों पर बिठाते हैं और फिर जो है वो मजीद पहाड़ का जो हिस्सा है आ, वो सफ़र करते हैं और ऊपर पहुँचते हैं सुबहानल्ला और इस मुबारक वाक्य का इस प्यारे वाक़े का बारा बारह सूर तौबा की आयत नंबर चालीस में जिक्र मिलता है जीगर सफरी चैन के नाज़ीन और प्यारे बच्चों बहुत प्यारा कुरानी वाक़ा हमने सुना है हजरत मदीना का आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और अगले सेगमेंट में इन शाला आपको अल्लाह पाक के कुछ सिफाती नाम याद करवाए जाएंगे इस सेगमेंट का नाम है नामों की तकरार जी प्यारे बच्चों सेगमेंट है नामों की तकरार नामों की तकरार सेगमेंट है और अल्लाह पाक के सिफाती नाम अल्लाह पाक के प्यारे नाम हम बच्चों को याद करवा रहे हैं और आज भी इन करीम अल्लाह पाक के कुछ मुबारक नाम हम बच्चों को याद करवाएंगे साथ में उसके मायना भी बताएंगे जो किट्स पदरी चैनल पर बच्चे देख रहे हैं आप भी हमारे साथ मिलकर नामों की तकरार करें मिलकर नामों को याद करें इन आपको भी ये नाम याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों अल्लाह पाक का एक नाम है अलि यूनी इसका मतलब होता है हर चीज़ से बेपरवाह हर चीज से बेपरवाह हर चीज से बेपरवाह हम्म अल गनीजू अल गनीजू हर चीज से बेपरवाह हर चीज से बेपरवा अल गनीजू अल गनीजू हर चीज से बेपरवाह हर चीज से बेपरवाह अल मोगनी अल मोगनी अल मोगनी अल मोगनी इसका मतलब होता है गनी करने वाला गनी करने वाला गनी करने वाला गनी करने वाला

<jamais> इसी तरह पाक का एक नाम है इसका मतलब होता है हमेशा बाकी रहने वाला बाकी वाला हमेशा बाकी रहने वाला हमेशा बाकी रहने वाला हमेशा बाकी रहने वाला अलवारीसू अलवारी हमेशा बाकी रहने वाला हमेशा बाकी रहने वाला जी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं तीनों नामों को फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आएंगे हर चीज से बेपरवाह अलमोग गनी करने वाला रहने वाला, जी आप सुनाएंगे अलगनी बेपरवा अलमोग गनी करने वाला हमेशा बाकी रहने वाला आप सुनाएंगे अल गनी जो हर चीज़ से बेपरवाह अल मुगनी हर गनी करने वाला अलवारसो हमेशा बाकी रहने वाला माशाल्लाह माशाल्लाह जी किट्स पदरी चैनल के नाजीन और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं इनमें से कुछ बच्चों को याद हो गया है कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं उम्मीद है कि आपने भी अल्लाह पाक के तीन नाम याद कर लिए होंगे अब बढ़ते हैं प्रोग्राम टाइम की आज की के एपिसोड के आखिरी सेगमेंट की तरफ और आखिरी सेगमेंट का नाम है शान मोहम्मद अली प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जिसमें हम आखरी नबी मोहम्मद अरबी सल अलैहि वसम की शान अज़मत बरकात और हुजूर सल्लल्लाहु हजूर अलैहि वसलम की वो ख़ुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं बच्चों पाक पारा सोलह सूरह मरियम की आयत नंबर तिरसठ में इरशाद फरमाता है तिलकल बिस्मिल्ला तोनाइबा दिन का निया तर्जुमा ये वो बाघ है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसे करेंगे जो परहेज़गार है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन इस आयत का माना यह है कि हम जन्नत का वारिस हुजूर अलैहि सल्लि वम को बनाते हैं वो जिसे चाहें जन्नत अता करें और जिसे चाहें महरूम रखें तो मालूम हुआ कि हज़ूर सल अलैहि ताली वालम को अल्लाह पाक ने जो ख़ुसूसी इख्तियारात स्पेशल अथॉरिटीज़ अता फरमाई हैं उनमें से एक ये है कि आपको जन्नत और दुनिया की तमाम ज़मीन का मालिक बना दिया गया है आप जिसे चाहें जन्नत अता फरमा दें और जिसे चाहें दुनिया की ज़मीन अता फरमा दें और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अल्लाह अलैहि वल वम ने कई मरतबा लोगों को जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमाई है प्यारे बच्चों हमारे प्यारे आका सल अल्लाह ताली वल वम की कुन्त अबूलकासिम है इसकी एक वजह यह है कि आप कयामत के दिन मखलूक के दरमियान जन्नत तकसीम फरमाएंगे तू ही मुल्क खुदा मिल के खुदा का मालिक राज तेरा है जमाने में हुकूमत तेरी सलूल हबीब अलैहि वसल्लम माशाल्लाह माशाल्लाह तू ही मुल्क खुदा मिल्क खुदा का मालिक राज तेरा ज़माने में हुकूमत तेरी माशा बहुत प्यारा आ, शेर भी पढ़ा और बहुत प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो आयत नाजिल हुई है वो हमने सुनी शान मोहम्मद सेगमेंट में इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ खूबसूरत बातों के साथ हमारे प्रोग्राम कुरान टाइम की आज की एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में अपना ख्याल रखिए हमें दुआ में याद रखिए नमाज़ों की पाबंदी कीजिए सलूल हबीबल पाक महम्मद सरलि वाली वसल्लम देखते रहिए किड्स मदनी, मदनी चैनल है मदनी चैनल।